कल जो ड्रामा क्वीन बॉम्बे से जो मैसूर को तशरीफ ले लगाए, राखी सावंत उर्फ फातिमा, माशाल्लाह, वो नाम लेना था मैं पहले 10 बार सोचना, वैसा नाम एक ड्रामा क्वीन रख ली। बेहद अफसोस के साथ मैं बोलता हूँ, जो नाम नाम के बताओ। लायक नहीं उन्होंने। अगर से हमारे मैसूर के जो रेसिडेंट हैं आदिल एंड फैमिली, अगर उन्होंने पूरे मिल को उनकी फैमिली अगर वो नाम देकर रहते तो मैं वेलकम करता। मुझे पसंद नहीं है जो उनको नाम रखे, उन्होंने खुद रख ली सही है। और उन्होंने मैसूर मैसूर का को आपको आदिल के पेरेंट्स भाग गई घर से कहना, ये बात वापस लेना। मैसूर को आपको इन्हों हमारे मैसूर को स्लम एरिया में आदिल है करके बोलती, ये मैं खिलाफ करता हूँ ये बात को। उसका जो झूठा पॉसिबल एड्रेस तो देखो नहीं था आदिल, उन्हें सच्चाई के ऊपर को मैं आज छाटी थोक को बोलता हूँ। क्योंकि तो तुम्हें जो एड्रेस ढूंढने को गए वो हमारा मैसूर, जो आदिल आज वहाँ रह रहा है, उनके अम्मा बाबा रह रही, और कल जो उनके अम्मा बाबा को भाग्य करके बोल रही, ये तुम्हें गलत बोल रही। सो हर आदमी की हर चीज की जरूरत रचे, घर बंदे का तो भाग्य घर को नहीं। मैं जो उनको बात करे करी उनके माँ बाबा को, और जो तुम्हारा तुम ना उन्हों तो हिंदू कर को हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, तुझे हमें बहू कर को मानते नहीं, तेरी शादी मानते नहीं करी, खाली तुम्हारी जबान से बोल रही। सो वो वॉइस रिकॉर्डिंग तुम्हें काम भी वायरल करे नहीं, अगर कर को रहते तो हमें मानते। सऊदी में हर सब भी आदिल को ले को जो डांस करे, हर टाइम एक कैमरा वाला तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें जिम को गए तो साथ रहता है, तुम्हें सब्जी लिए तो साथ रहता है, तुम्हें चादर लेने गए तो मजार को डालने गए तो साथ रहता है, तुम्हें खाना क्या खा रही वो भी पूछता है, तुम्हें ड्रेस कौन सा पहन रही वो भी दिखाता है। तुम्हें आज इतने बड़े एक एक्ट्रेस तुम्हें आदिल के पेरेंट्स को बात करे सो वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे कने, ये बात हमारी मैसूर की अवाम में मानने। तुम्हारे पास प्रूफ है तो पब्लिक में शो करो, आदिल के पेरेंट तुमना इनकार करी घर को, तब हमें मैसूर की अवाम तुमने एक्सेप्ट करती है हमारी मैसूर की बहू घर को। तुम्हें आज तुम्हें जो आए कल तुमना कौन भी बुलाई नहीं, क्योंकि तो तुम्हारा केस यहाँ नहीं था, तुम्हारा केस था सो बॉम्बे में। तुम्हें यहाँ एक ड्रामा करने के वास्ते आए सर को, मैं चैलेंज से आदिल के तरफ से मैं बोलता हूँ, आदिल का अपोजिट का बयान होना हमना, आदिल की फैमिली को कौन तो भी मैसूर वाले जाको, तुम्हारे जो बेटा ऐसा करे है गलत करे या सही करे है, कोई एक भी रिपोर्ट काम भी नहीं है आदिल की फैमिली से आज तक, काम भी एक स्टेटमेंट आपको नहीं आदिल का। एक ये जो मैसूर के चंद लीडर्स राखी सावंत के जिम्मेदार हैं, जो मैसूर के ही उन्होंने राखी सावंत के साथ सपोर्ट करें, आज आप उनके खिलाफ बोल रही, तो उसके बारे में बताइए। मैं वो लीडर को, वो लीडर मेरी उम्र मेरे से उम्र में बड़े, कार्रवाई सुनको ही आदिल की फैमिली की भी कार्रवाई सुनो। तुम्हें आज मैसूर के रहबर हाँ, मैसूर के लीडर हाँ, मैसूर के बारे में अच्छा सोचने वाले आदिल की फैमिली भी मैसूर में सुना है सो। जैसे लीडर मिले उनके अम्मा बाबा को जाको क्या तुम्हें बात करो सो, एक वीडियो दिखाओ हूँ उनके अम्मा बाबा, नहीं हमें आदिल के तरफ नहीं, राखी सावंत को धोखा छोको सो, नहीं हमें आदिल के तरफ से ही करो कान, तो भी एक वीडियो एक मीडिया में कह रहा है तो ड्रामा क्वीन क्या बोल रहे वो कोरेट कने रोचे, होटल में आको हंसचे, शाम को खुद एक वीडियो बनाचे, मंजे मालूम नहीं था मैं एक ड्राइवर को शायद ड्राइवर कहते। अरे मेरी अम्मा पहले तो बॉम्बे से मैसूर का को उन्हें ड्राइवर क्या लैंडलॉर्ड दे चक्कर लेना था माँ, तो क्या कोसा तो कंट्रैक्ट करी तो कोसी तो जमीन का धंधा करी, क्या कोसी तो भी होटल, तेरी लाइफ तेरे लाइफ पार्टनर को तुझे शादी होती थी, पहले छानबीन कर रहा था मेरा ड्राइवर कहाँ रहता है, मेरा ड्राइवर सरस्वतीपुरम में है क्या मंडी मॉल में, चक्कर लेना था तो तुझे कौन तो भी गन पॉइंट को गन रख को क्या तो भी आदिल को तू बिना पूछे शादी होना और को क्या तो भी जुलुम करे थे कि पूरा हुए के बाद मैसूर को आपको बोल छे मेरा मर्द ड्राइवर कहते, मेरा मर्द स्लम एरिया में है कहते, क्या हमारे मैसूर का स्लम एरिया पूरी दुनिया को दिखा नहीं सो कल तो हूँ, हमें मैसूर वाले स्लम में छीन सो, हमें मैसूर वाले गरीबत में रहेंगे, दिल से हमें तुम्हें इनके धंधे को इन्वेस्ट करे, तब मैसूर वाले की इजाजत लिए थे, तब मैसूर में कोसे तो भी लीडर को पूछे थे मैं 1.5 करोड़ रुपए इनके बिजनेस को इन्वेस्ट करियो
तुम्हें मैसूर वाले सभा के दिन मेरे पैसे के तो भी लॉस हुए तो तुम्हें जिम्मेदारी लेती और को किसके तो भी साथ डिस्कस करे बहुत सारे अच्छा सवाल कर रहे ये ईरानी छोकरी इनो जब आदिल और राखी सावंत बॉम्बे में सऊदी में हर जगह घूमने को थे ओपनली राखी सावंत बोलते थे आदिल मेरे बॉयफ्रेंड कर को तब कहां थे ये ईरानी छोकरी आदिल भी राखी सावंत रोमांस और पब्लिक में इनो बेशर्मी से फिरते थे तब हम अफसोस होता था हमारे मैसूर का छोकरा जाको वहां बेशर्म के जैसा एक्टिंग कर ले फिर को हम अफसोस होता था हमें सोशल मीडिया में देखते उनका पर्सनल मामला है करके हमें चुपके रह जाते तब क्या ये ईरानी छोकरी को दिखा नहीं अंकियां को उनकी फैमिली को दिखा नहीं तब राखी सावंत को उन्होंने बोल सकते थे मेरे साथ शादी का वादा कर को आज तुम्हारे साथ अफेयर कर रहा है मंजे धोखा दिया है मेरी जिंदगी के साथ खेला है सब तुम्हारी जिंदगी के साथ भी खेल सकता है तब कंप्लेंट देते तो सच में मैं ईरानी छोकरी को मैं माफी दूंगा अगर आदिल गलती करे है तो संविधान में सबको एक ही कानून हमारा हिंदुस्तान का जो बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लिखी वो संविधान में येडियुरप्पा को भी एक कानून हमारे मोदी जी को भी एक कानून आदिल को भी एक ही कानून कानून क्या सजा देचे आदिल उसे भुगत जब साबित होना ये ईरानी छोकरी कहां छप गई थी क्या इसका इसे किसका कोई दबाव था आज इसे किसका तो भी बैकग्राउंड सपोर्ट मिले तो आदिल को ब्लैकमेल कर को आज इन्हें सामने आने का कारण क्या इसके बारे में कौन की वो सवाल नहीं उठा रही किसकी भी इज्जत जननी और मैसूर में पैदा हो को मैं मैसूर में स्मरतों से अल्लाह अगर चाहा तो मेरे मैसूर को कौन की अंगली दिखाता है मेरे मैसूर को कौन की बदनाम करता है तो होना तो जान दे डालती है हमें मैसूर के ऊपर कलंक आने नहीं देते आज पूरी दुनिया में आदिल के नाम के साथ मैसूर जुड़ गए मेरे मैसूर को कौन की बॉम्बे से की सऊदी से की दुबई से की लंदन से की अंगली दिखाता गया तो हमें हमारे मैसूर के तरफ से खड़को हमें जद्दोजहद कर दी लेकिन मैसूर को कलंक नहीं देते नहीं हर को ये बात बोलना चाहता हूँ शुक्रिया सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सबसे पहले आज जुम्मा पूरे अवाम को जुम्मा मुबारक कल जो ड्रामा क्वीन बॉम्बे से जो मैसूर को तशरीफ ले लिखा है राखी सावंत उर्फ फातिमा माशाल्लाह वो नाम लेना था हमें पहले 10 बार सूचना वैसा नाम एक ड्रामा क्वीन रख ली बेहद अफसोस के साथ मैं बोलता हूँ जो नाम रख ली क्यों तो नाम के लायक नहीं उन्हों अगर से हमारे मैसूर के जो रेसिडेंट हैं आदिल एंड फैमिली अगर उन्होंने पूरे मिल को उनकी फैमिली अगर वो नाम देकर रहते तो मैं वेलकम करता मुझे पसंद नहीं है जो उनको नाम रखी उन्होंने खुद रख ली सही है और उन्होंने मैसूर को आको आदिल के पेरेंट्स भाग गई घर से कहना ये बात वापस लेना मैसूर को आको इन्हों हमारे मैसूर को स्लम एरिया में आदिल है करके बोलती ये मैं खिलाफ करता हूँ ये बात को उसका जो पॉजिटिव था उन्हें दिखाया है उन्हें कोसा की भाड़े का घर ले को तुम ना बुलाले का को मैं ऐसे हाई फाई घर में हूँ करके दिखा को नहीं है उन्हें कोसे की कोयमपुर नगर के घर से आको नहीं है कहेंगे सरस्वतीपुरम में उन्हें जो पैदा होको बढ़ियाए पल्याए वो ज घर का एड्रेस है तुमना मालूम हुआ ऐसा झूठा एड्रेस तो देखो नहीं था आदिल उन्हें सच्चाई के ऊपर को मैं आज छाटी थोक को बोलता हूँ क्योंकि तो तुम्हें जो एड्रेस ढूंढने को गए वो हमारा मैसूर जो आदिल आज वहाँ रह रहा है उनके अम्मा बाबा रह रही और कल जो उनके अम्मा बाबा को भाग्य कर को बोल रही ये तुम्हें गलत बोल रही सो हर आदमी की हर चीज़ की ज़रूरत रचे घर बंदे का तो भाग्य कर को नहीं और तुम्हें जो उनको बात करे करी उनके अम्मा बाबा को और जो तुम ना उन्हों तो हिंदू कर को हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही तुझे हमें बहू कर को मानते नहीं तेरी शादी मानते नहीं करी खाली तुम्हारी जबान से बोल रही सो वो वॉइस रिकॉर्डिंग तुम्हें काम भी वायरल करे नहीं अगर कर को रहते तो हमें मानते हर फोन में आज वॉइस रिकॉर्डिंग है तुम्हें क्यों पब्लिक के सामने वॉइस रिकॉर्डिंग शो नहीं करे तुम्हें जो बम्बई में सऊदी में सब भी आदिल को ले लेको जो डांस करे हर टाइम एक कैमरा वाला तुम्हारे साथ रहता है तुम्हें जिम को गए तो साथ रहता है तुम्हें सब्जी लिए तो साथ रहता है तुम्हें चादर लेने गए तो मजार कुदलने गए तो साथ रहता है तुम्हें खाना क्या खा रही वो भी पूछता है
तुम्हें ड्रेस कौन सा पहन रही वो भी दिखाता है। तुम्हें आज इतने बड़े एक एक्ट्रेस, तुम्हें आदिल के पेरेंट्स को बात करे सो वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारे कने। ये बात हमारी मैसूर की अवाम मानने रेडी नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो पब्लिक में शो करो, आदिल के पेरेंट तुमना इनकार करेंगे को, तब हमें मैसूर की अवाम तुमने एक्सेप्ट करती है हमारी मैसूर की बहू कर को तुम्हें। और अगर से तुम्हें पहली शादी आदिल को करते तो हमें मैसूर वाले तुम्हारी तुम्हें हमारे बहू कर को मानते और हमें तुम्हें वेलकम करते पूरे मैसूर वाले। आज तुम्हें जो आए कर ले तुम्हारा कौन भी बुलाई नहीं, क्योंकि तो तुम्हारा केस यहां नहीं था, तुम्हारा केस था सो बॉम्बे में। तुम्हें यहां एक ड्रामा करने के वास्ते आए सर को, मैं चैलेंज से बोलता हूं, तुम्हें मैसूर के अवाम को बेवकूफ समझ को ही, लेकिन मैसूर के अवाम बेवकूफ नहीं है। मैसूर की अवाम जितनी अच्छी है करको पूरे दुनिया को मालूम है, मैसूर आज सांस्कृतिक नगरी करको आज फेमस होको है। आदिल के तरफ से मैं बोलता हूं, आदिल का अपोजिट का बयान होना हमना, आदिल की फैमिली को कौन तो भी मैसूर वाले जाको तुम्हारे जो बेटा ऐसा करे है गलत करे है सही करे है को एक भी रिपोर्ट काम भी नहीं है। आदिल की फैमिली से आज तक काम भी एक स्टेटमेंट आको नहीं। आदिल का एक वीडियो मेरे पास है। सर पहले मेरा एक क्वेश्चन है, जहाँ पे मैसूर की बात कर रहे हैं आप, ये जो मैसूर के चंद लीडर्स राखी सावंत के जिम्मेदार हैं जो मैसूर के ही, उन्होंने राखी सावंत के साथ सपोर्ट करे, आज आप उनके खिलाफ बोल रही, तो उसके बारे में पहले मैं वो लीडर को, वो लीडर मेरी उम्र मेरे से उम्र में बड़े, मेरे बड़े भाई हैं जी साहब, मैं तो उम्र में उनसे छोटा हूँ, तजुर्बे में भी छोटा हूँ, फिर भी मैं मेरे मैसूर के जो लीडर्स कल बैठ को राखी सावंत के फेवर में बात करी, मैं उनको एक छोटी बात बोलना चाहता हूँ। जैसा तुम्हें राखी सावंत का पूरा एक तरफ का जो ये सुनको ही कार्रवाई सुनको ही, आदिल की फैमिली की भी कार्रवाई सुनो। तुम्हें आज मैसूर के रहबर हाँ, मैसूर के लीडर हाँ, मैसूर के बारे में अच्छा सोचने वाले, आदिल की फैमिली भी मैसूर में स्ना है सो। जैसा तुम्हें कल एक झूठो को तुम्हें जो मीडिया के सामने आको आदि हमें राखी सावंत और फातिमा को सपोर्ट करेंगे को बोले, मंजे भी कहेंगी खुशी हुई एक भाई को बच्ची को सपोर्ट करी। कब सपोर्ट करना? अगर वो भाई को बच्ची सही है, अगर वो भाई को बच्ची के तरफ से उसे धोखा हो को है आदिल के तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें सपोर्ट करो, हमें भी तुम्हारे साथ ही। किसे की धोखा होगा तो हमें वो धोखा दिए सोले के तरफ से बात नहीं कर रही, लेकिन आदिल की फैमिली भी तो है हमारे साथ। उनके अम्मा बाबा को कौन से लीडर मिले? उनके अम्मा बाबा को जाको कहते भी बात करे सो एक वीडियो दिखाओ, हूं उनके अम्मा बाबा नहीं हमें आदिल के तरफ नहीं, राखी सावंत को धोखा छोको सो नहीं हमें आदिल के तरफ से ही करो, कान तो भी एक वीडियो एक मीडिया में काम भी नहीं है। खाली क्या हो रहा है तो ड्रामा क्वीन क्या बोल रहे वो कोरेट कने रोचे, होटल में आपको हंसचे, शाम को खुद एक वीडियो बनाचे, मंजे मालूम नहीं था मैं एक ड्राइवर को शादी होगी, उन्हें ड्राइवर कहते, अरे मेरी अम्मा पहले तो बॉम्बे से मैसूर का को उन्हें ड्राइवर क्या लैंडलॉर्ड दे चक्कर लेना था मां, तो क्या कोसा तो कंट्रैक्ट करी तो कोसी तो जमीन का धंधा करी, क्या कोसी तो भी होटल खरीदने ही, तेरी लाइफ तेरे लाइफ पार्टनर को तो जो शादी होती थी पहले छानबीन कर रहा था, मेरा ड्राइवर कहाँ रहता है, मेरा ड्राइवर सरस्वतीपुरम में है क्या मंडी मॉल में, चक्कर लेना था तो तुझे कौन तो भी गन पॉइंट पो गन रख को कहते भी आदिल को तू बिना पूछे शादी होना और को कहते भी जुलुम करे थे कि तो आज पूरा हुए के बाद मैसूर को आपको बोल छे मेरा मर्द ड्राइवर कहते मेरा मर्द स्लम एरिया में है कहते, क्या हमारे मैसूर का स्लम एरिया पूरी दुनिया को दिखा नहीं सो कल तो हूं हमें मैसूर वाले स्लम में छीन सो, हमें मैसूर वाले गरीबत में रहेंगे दिल से हमें सौकारा, हमारे पास उतने पैसे नहीं रहेंगे लेकिन हमारा दिल बड़ा है, तुझे जो आई थी तू मैसूर को तुझे क्या इज्जत अफजाई करना कर को तुझे सही सलामत और बॉम्बे को जाने दिए ना, ये मैसूर वाले की शान, तुझे खोज जाने भी नहीं दिए हमारे मैसूर वाले, ये हमारे मैसूरियन जो हमारे लीडर कर तरफदारी करे अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरफदारी में और एक बात थी, हमें राखी सावंत और आदिल दुरानी के पर्सनल रिलेशनशिप को नहीं जा रही, इसमें इस्लाम की बात आने के वजह से हमें इसमें इन्वॉल्व हो रही को लीडर्स का ये भी बयान है सर। इस्लाम में उन्होंने आए आज आदिल के साथ अगर उन्होंने
आदिल एक बात बोल को है, पूरे जगह मालूम है, गूगल में है, यूट्यूब में है, आदिल जो पैसे 1,60,07,00,000 रुपए इनके ले को ही वो इन्वेस्ट कर को ही बिजनेस को, और खुद राखी सावंत बोलती मेरे पैसे कब्रो उतारी, तो उन्होंने 4 महीने का टाइम ले रही, तब उनके हाथ में इन्हों खुरान थमाती, खुरान की कसम खा को बोले और को खुरान पात्र को बोलती 4 महीने में मैं तुम्हारे पैसे लौटाता हूँ, उससे आता सो पूरा इन्वेस्टमेंट भी मैं तुम्हारा देता हूँ, मंजे 10 रुपए भी नको। और उन्होंने पूछती तुम्हें हो एक शादी होती क्या कुरान के पात्र को, नहीं मैं तुमना छोड़ा थोर शादी नहीं होता को, आदिल खसम खा को ही। उसके बाद बोलती मैं आगे को तुम्हारा धोखा भी नहीं देता, मेरे तरफ से होता नहीं को, हम ना इस्लाम में दीन में कुरान से बढ़ को क्या भी नहीं दुनिया में, वो कुरान पाक को आतरक को जब खसम खाए, तुम्हें टाइम देना था, तुम्हें सड़न तुम्हें पूरा वीडियो बनाने करा को, और चंद दिन के बाद तुम्हें कंप्लेंट देखो जेल को भेज डाले तो आदिल जेल में बैठ को तुम्हारे पैसे लौटेगा। अगर उन्हें पूछ को ऐसा टाइम अगर पास होगा तो उसके बाद अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई करना था। तब हमें खुद बोलते हैं हूं आदिल धोखा दिया सो पैसे पूरे ले जा कांगी शौक कर डालिया लुटा डालिया, आज बड़ी अमाउंट है 1.5 करोड़ रुपए में आज कितने की जिंदगी सेटल हो जाती, मैं मानता हूं बात को, उतनी बड़ी अमाउंट राखी सावंत को धोखा दिया लिया उनकी मेहनत की पैसे गते कर को, हमें मानते हो बात को। जब तुम्हें इनके धंधे को इन्वेस्ट करे तब मैसूर वाले की इजाजत लिए थे, तब मैसूर में कोसे तो भी लीडर को पूछे थे मैं 1.5 करोड़ रुपए इनके बिजनेस को इन्वेस्ट करियो, तुम्हें मैसूर वाले सभा के दिन मेरे पैसे गया तो भी लास्ट हुए तो तुम्हें जिम्मेदारी लेती गया को किसके तो भी साथ डिस्कस करे थे, जब तुम्हें अच्छे थे ना इनके माँ बाप की जरूरत थी राखी सावंत को आदिल के, ना मैसूर वाले जिम्मेदार की जरूरत थी, आज तुम ना 3 और 1 शादी न रही है, राखी सावंत ये 4वीं शादी हो कोई सो 4वीं शादी आदिल से पहले 3 जने को तुम्हें जो डाइवोर्स दिए इसका कारण क्या, उनको कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, उन्होंने क्या धोखा दिए, क्या उन्होंने धोखा दिए, क्या तुम्हें धोखा दिए। आदिल तो भी ये पहली शादी, इससे पहले कौन सी शादी हो गई ना, ऐसा तो बोलते हैं सर आदिल के बहुत सारे अफेयर्स हैं इनको, अब रिसेंटली एक रेप केस में भी उनको अरेस्ट कर को ही मैसूर को लाले खाने की वजह से वो कर को भी बोल रही। अच्छा सवाल कर रहा है ये ईरानी छोकरी, इनो जब आदिल और राखी सावंत बॉम्बे में सऊदी में हर जगह घूमने को थे, ओपनली राखी सावंत बोलते थे आदिल मेरे बॉयफ्रेंड कर को, तब कहां थे ये ईरानी छोकरी, तो तब 2 साल से जो चलता था उसके बारे में बोल रही हैं, तब कहां थे इनो, वीडियो भी नहीं बनाते जब आदिल भी राखी सावंत रोमांस और पब्लिक में इनो बेशर्मी से फिरते थे, तब हम अफसोस होता था हमारे मैसूर का छोकरा जाको वहां बेशर्म के जैसा एक्टिंग कर ले फिरार को, हम अफसोस होता था, हमें सोशल मीडिया में देखते उनका पर्सनल मामला है करके हमें चुपके रह जाते, तब क्या ये ईरानी छोकरी को दिखा नहीं अंकियां को, उनकी फैमिली को दिखा नहीं, तब राखी सावंत को उन्हों बोल सकते थे मेरे साथ शादी का वादा कर को आज तुम्हारे साथ अफेयर कर रहा है, मंजे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है, सब तुम्हारी जिंदगी के साथ भी खेल सकता को, तब कंप्लेंट देते तो सच में मैं ईरानी छोकरी को मैं मान लेता, तब मैं इनके तरफ से बात करता जो ईरानी छोकरी बात करिए, जब राखी सावंत मंजे पैसे से धोखा हुआ मंजे जिंदगी से धोखा हुआ अगर को जब FIR दार को जेल को भेजती तब इन्हें कांसे की पैदा होगा को, मेरे ऊपर भी ऐसा करिया मेरी जिंदगी भी गारत करे अगर को जो इल्जाम लगी है ये इल्जाम साबित होने दे, अगर आदिल गलती कर रहा है तो संविधान में सबको एक ही कानून, हमारा हिंदुस्तान का जो बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लिखी वो संविधान में येडियुरप्पा को भी एक कानून, हमारे मोदी जी को भी एक कानून, आदिल को भी एक ही कानून, कानून क्या सजा दे छे आदिल उसे भुगतना, जब साबित होना ये ईरानी छपरी कहां छप गई थी, क्या इसका इसे किसका कोई दबाव था, आज इसे किसका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट मिले तो आदिल को ब्लैकमेल कर को, आज इन्हें सामने आने का कारण क्या, इसके बारे में कौन की वो सवाल नहीं उठा रही, 2 साल से तू ऐसा कर ले थी ना मां तो क्यों आदिल के खिलाफ 2 साल पहले कंप्लेंट दी नहीं कर को, क्यों कौन भी सवाल नहीं उठा रही, आज भाई को बच्ची को धोखा हुआ कर को कौन की बोल रही, मरद बच्चा भी हमारा ना हमारा मैसूर का ना उन्हें उनके पेरेंट्स क्या गुनाह करे थे, मैं ये पूछना चाहता हूं उनके अम्मा बाबा की क्या गलती है इसमें, उनके अम्मा बाबा को कहीं को टारगेट कर रही तुम्हें,
उनके घर के ने जाको कल जो नाटक करी, शादी से पहले आना था तो तुम्हारा बेटा मुझे शादी होना कर को बोल रहा है, मैं शादी हुई तो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करती क्या, मैं इस्लाम में ही तो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करती क्या, को इजाजत लेना था तो तब तुझे इजाजत की जरूरत पड़ी नहीं। कल तो जो ताला तोड़ने ही थी उनके घर के पास, शादी होने से पहले ताला खोलती क्या नहीं करके पूछ लेना था तो कल तो ताला तोड़ने आगे ताला तोड़ को घुस जू क्या मैं इनके घर की भोकर को पूछ चेना, मैं निकाह हुई तो मैं तुम्हारे इस्लाम को आई तो तुम्हें मंजे आदिल की जोरो मैं तुम्हारी भोकर को तुम्हें मंजे एक्सेप्ट करती है, कोई इजाजत लेना था बुजुर्ग की इजाजत नहीं सो तो जो कदम उठे आज उन तेरे खिलाफ खड़ी। अगर वो टेम्पो तो इजाजत पे को रहती तो आज आदिल की गलती को अगर गलत रहा तो उनके अम्मा बाबा भी तेरे साथ रहते, तुझे और बॉम्बे को जाने नहीं देते थे। ए हमारी बहू ने इन्हें हमारे मैसूर को ये हमारी बहू को मैं घर में रखनी घर को तुझे वेलकम करते घर के ने घर को, जब तू वो टेम्पो इजाजत लई ने आज तुझे जो उनका रिएक्शन मिला होता चे उसमें क्या भी आदिल के पेरेंट की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि तो निके में नहीं हूं। अगर वो टेम्पो तेरे पैसे को देख को तेरी शोहरत को देख को अगर उन्होंने वो टेम्पो निके में रखो अगर वहां तुझे क्या तो भी आशीर्वाद देकर रहते तो आज उन्हों गलत निके में थे आज क्यों नहीं करको, उन्होंने वो टेम्पो भी नहीं आज भी नहीं तो उनके पेरेंट को जो बात करी ये गलत बोल तुम्हें। और राखी सावंत की पहली शादी रहती तो मैं उसे वेलकम करता, चारवें नौशो को छोड़ेंगे तो इसमें किसकी गलती ज्यादा है किसकी गलती कम है ये अवाम खुद जान ले चे। एक और बात आती है सर, जिस तरह इनके वीडियोस जो भी इन्होंने जाती फिरती करती ना, ये वीडियोस सबसे पहले इनके अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक में आ जाती, इसका क्या मतलब अगर इनको दुख हुआ है बोले तो इन्होंने दुख सुनाती इंसाफ मांगती सो इनके इंस्टाग्राम में इनके यूट्यूब में इनके फेसबुक में जो है इनके वीडियो भाई जाती उसमें जो है मिलियंस में अपना देखती, इसका क्या मतलब सर? सब क्या है तो सर एक वावागिरी चल रही और इन्हों कौन सी दुनिया से आको सो फिल्म इंडस्ट्री दुनिया एक्टिंग ड्रामा जो एक्टिंग ड्रामा जो अढ़ी घंटे टाइम का जो एक पूरी दुनिया को दिखाती है ये दुनिया से इन्हों ताल्लुक रखती सो बेशक। पहली शादी से लेको चारवीं शादी तक इनकी कितनी बड़ी जर्नी है, ये जर्नी को क्या करी इन्हों एक डायरी के त्यों बनी। आज यूट्यूब गूगल मारे तो आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले क्या हुआ हमने पूरी हिस्ट्री मिल जाचे। राखी सावंत सुबह के मॉर्निंग से लेको शाम को जाको गुड नाइट बोले तक भी राखी सावंत के अप टू डेट वीडियोस यूट्यूब में मिल जाती, ये सही गलत मिलती है सब सही बात। क्या वास्ते मिलती है तो इनका हर जो एक्टिंग रचे एक कवरेज हो रहा है अपडेट हो रहा है, मंजे लगता है इनके जो चार शादियां ही इनो जो मैसूर को आना जाना है इनो जो दुबई में जाको फ्लैट दिखा लेका है आदिल को ये सब एक फिल्म बनाने के वास्ते एक स्टोरी क्रिएट हो रही है। क्यों कह तो वान के बॉम्बे के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स राखी सावंत की एक फिल्म की जो डायरी है ये लेको आने वाले दिनों में राखी सावंत के ऊपर एक पिक्चर लिखती एक बायोग्राफी लेती राखी सावंत के साथ ऐसा ऐसा हुआ। राखी सावंत इतने नौशवान को शादी हुए थे, मैसूर से एक लड़का बॉम्बे का आया था उन्हें कौन के ड्राइवर था कहते कर को एक बहुत भारी एक बड़ी फिल्म बन चे जो अब जो फिल्म है ये फिल्म को पूरे तोड़ को आगे को जाने के वास्ते एक रिकॉर्ड बना चे कर को राखी सावंत क्या करें प्री प्लान कर को एक पिक्चर की स्टोरी लिख रही दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स राइटिंग लिखने वाले राइटर बुक में लिखती इनो यूट्यूब में लिख रही सादी जिंदगी क्या कर रही नो यूट्यूब को दे डाल रही बाद में बोलती ये मेरे ऊपर तो मैं पिक्चर बनाओ कितने लाख को डील चे कितने करोड़ को डील चे फिल्म की क्यों तो रियलिटी कर ले रही सो ना इनो दूसरे फिल्म क्या होती राइटिंग में लिख को एक बुक के साथ उन्हों पिक्चर बनाती इनो रियलिटी में दिखा रही सो ऐसा मेरे साथ हुआ अगर को आखिरी सवाल सर एक बड़ी तादाद में लोग जो है इनके सपोर्ट में ही इनके साथ गलत हो रहा है इनके साथ दुख हो रहा है क्या वो लोग जो इनके साथ ही नादा नहीं क्या इनको मालूम नहीं सो इन उनका सपोर्ट कर रहे हैं आपके हिसाब से? मैं यत्ता ये वास्तव में आपसे ये रूबरू हो को सो जितनी तादाद इनके सपोर्ट में है वत्तीस तादाद अपोजिट में है।
मैं एक ही चेक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आप मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, राखी सावंत से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो डिपार्टमेंट आज आदिल को अरेस्ट कर को ले लेकर आया है, आदिल का भी एक बयान सामने लाओ पब्लिक के सामने, आदिल के तरफ से पेरेंट्स का भी एक बयान सामने लाओ। हमें सब कंफ्यूज में ही, क्या आदिल इतना बड़ा धोखेबाज, क्या आदिल इतना बड़ा एक क्या कि एक गैर गलत करने वाला, क्या हमारा मैसूर का नाम इतना बड़ा बदनाम करने वाला क्या इन्हें को, हम ना कंफ्यूज है, हमें क्लियर नहीं है, हमें या आदिल सही है क्या राखी सावंत सही है, हम ना क्लियर नहीं है कि वो तो एक तरफ का आ रहा है, राखी सावंत का आ रहा है, आदिल का भी हमने कंफ्यूजन होना, उन्हें भी कंक्लूड देना हमने, उनकी फैमिली भी देना, तब हमें अगर राखी सावंत सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें राखी सावंत के साथ पूरा मैसूर में पूरे हिंदुस्तान का जितना भी मुसलमान है उन्हें हमारी भाव कर को मान को हमें उसके सपोर्ट में करती। तो मैं पहले हम ना आदिल की फैमिली आदिल का हमने पहले स्टेटमेंट सुनाओ, हमें जपती वो स्टेटमेंट को, आप मीडिया पर्सन से भी मैं रिक्वेस्ट कर ले तो आदिल और उनकी फैमिली का हमने एक स्टेटमेंट सुनो, अगर से उनकी फैमिली वो आदिल गलत है तो हमें सब भी राखी सावंत को वेलकम करते, हमें हर तरह से राखी सावंत के सपोर्ट में खड़ी, क्यों कहते हो एक तरफ का बयान हमें आज तक भी सुन रही और एक तरफ का बयान नहीं है। अल्लाह के वास्ते मैं हमारे मैसूर के उलमा इकराम से लीडर्स से रिक्वेस्ट कर ले तो आने वाले दिनों में आदिल की फैमिली की इसमें क्या भी गलती नहीं है, क्योंकि तो आदिल भी बयान देखो नहीं, आदिल की फैमिली भी बयान देखो नहीं, जब तक बयान अपोजिट का नहीं आता कौन सा भी फैसला लेना को कानून के चौकट पर है, आज मसला कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला करता है उसे हमें पूरे वेलकम करेंगे अगर को बोल तो, और आपके मीडिया पर्सन को भी मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ एक आदिल का और उनकी फैमिली का एक आने वाले चंद दिनों में तुम्हें एक स्टेटमेंट तुम्हारे न्यूज चैनल के मुताबिक हमारी पूरी आवाम को दिखाना अगर को रिक्वेस्ट कर लेते हो, और मैं किसे तो भी अगर ये मेरे बाता में अगर दिल दुखा को रहा तो मैं तहे दिल से उनसे माफी मांगता हूँ, मैं खाली किसे भी अन्यालम नहीं होना, किसकी भी इज्जत जाना नहीं, और मैसूर में पैदा होकर मैं मैसूर में मरता हूँ, अल्लाह अगर चाहा तो मेरे मैसूर को कौन की अंगली दिखाता है, मेरे मैसूर को कौन की बदनाम करता है, तो होना तो जान दे डालती है, हमें मैसूर के ऊपर कलंकाने नहीं देते। आज पूरी दुनिया में आदिल के नाम के साथ मैसूर जुड़ गए, मेरे मैसूर को कौन की बॉम्बे से की सऊदी से की दुबई से की लंदन से की अंगली दिखाता है, तो हमें हमारे मैसूर के तरफ से खड़को हमें जद्दोजहद करती, लेकिन मैसूर को कलंकाने देते नहीं, हर को यह बात बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया।